थाना टोड़ी फतेहपुर के थाना प्रभारी रवद नारायण पांडे ने कोर्ट के आदेश से वीरेंद्र कुमार उर्फ पिंटू निवासी टोड़ी फतेहपुर के खिलाफ धारा 323, 352, 504 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया, जिसमें तीन लोग अज्ञात भी हैं। वहीं पीड़ित पक्ष संदीप कुमार का कहना है कि एक साल पहले हमारे पिता लोकेंद्र कुमार किसी काम को लेकर बस स्टैंड गए हुए थे, तभी अचानक बिना किसी बात को लेकर मारपीट शुरू कर दी गई थी। कोर्ट के आदेश से प्रार्थी को न्याय मिला। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वीरेंद्र कुमार उर्फ पिंटू एक जालसाज व्यक्ति है, जिसमें पहले से भी लूट, चोरी, हमला, मारपीट जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, 3 UP गुंडा एक्ट जैसे मुकदमे दर्ज हैं। पत्रकारों ने टोली फतेहपुर थाना प्रभारी से वार्तालाप की तो उनका कहना है कि क्षेत्र में हमारे रहते हुए कोई हो गुंडागर्दी दलाली नहीं चलेगी, बिल्कुल शांति का माहौल, अन्यथा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रार्थी को न्याय का भरोसा दिलाया। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार बटवालिया, टोली फतेहपुर। अच्छा, क्या घटना आपके साथ हुई? हमारे साथ घटना हुई थी, हमारे पिताजी बस स्टैंड पे किसी काम को लेकर के गए थे जी। अचानक दबंगों ने हमला बोल दिया था जी, तो हम FIR दर्ज कराने थाने भी गए थे जी। तो थाने 92/18 NCR जी काट दी गई थी जी, जो कि मेडिकल भी कराया जी। मैं कोर्ट गया जी, कोर्ट से तत्काल आदेशित किया गया, SHO टोली फतेहपुर के लिए आदेश दिया गया जी। उसके एक साल बाद जी हमारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है विभिन्न धाराओं में, जिसकी FIR ये है सामने। और ये वीरेंद्र कुमार है जो इसके तो पहले भी आपराधिक इतिहास ये गवाह है, इसको आप देख सकते हैं, पहले से भी कई धाराओं में इसके पास मुकदमे पंजीकृत हैं। ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास? हाँ, ये FIR की कॉपी मिली है, जो थाना अध्यक्ष महोदय जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपके साथ कोई गलत नहीं होगा जी। ये कब FIR कराई आपने? ये अभी 20/9 को दर्ज की गई जी। अभी कोई कार्रवाई और नहीं की गई? नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा, कोई भी हो, चाहे दबंग हो जी, जो भी सही होगा वो किया जाए जी।